यार आप लोगों को याद है 5 महीने पहले हम लोगों ने एक लैम्बोर्गिनी उरस खरीदी थी एंड उसे ड्रैग रेस में ले गए थे एंड नहीं पता गाड़ी में ऐसी क्या दिक्कत थी भाई, वो रेस पे रेस हारी जा रही थी। तो मैंने उसे यार बेच दिया था और उससे बहुत सारे पैसे मिले थे और उन पैसों से मैंने एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर खरीदी थी। पर आज गाइस यार हम लोग दोबारा से एक ब्रांड न्यू उरस खरीदने वाले हैं और उसको यार बनाने वाले हैं दुनिया का वन ऑफ द क्रेजीएस्ट लैम्बोर्गिनी उरस। भले उसके लिए मुझे 1-2 करोड़ क्यों ना लग जाए, अपनी किडनी बेचनी पड़ जाए, बट या मैं रेडी हूं भाई। सो वेल यार आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो पे नए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड पुराने हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड चलो मेरे साथ एक ब्रांड न्यू फोर्ज़ा होराइज़न के एपिसोड पे, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस वेलकम टू द होराइज़न एंड आज मैं जंगल आया हुआ हूँ भाई अपनी नई वाली लैम्बोर्गिनी उरस को लेकर के। तो ये मैंने नई खरीदी है यार और मैं इसका ऑफ रोडिंग टेस्ट करने जंगल आया हूँ। गाड़ी थोड़ी सी गंदी हुई है बट हाँ ऑफकोर्स भाई गाड़ी में बहुत ज्यादा दम है भाई। इंटीरियर ओके इंटीरियर देख लो मेरी जान, मेरा हाथ को देखो एकदम बराबर रिस्पॉन्स देता है। ये देखो मैं ऐसा हाथ छोड़ के रखा हूँ, ये देखो थोड़ा सा हिलाऊंगा, ये देखो भाई इतने वेवी भाई रिस्पांस दे रहा है ब्रो। बाकी शिफ्टर तो है ही जैसे इस गाड़ी के नीचे है ना वैसा है। बाकी गाइस यार हम लोग की गाड़ी कम्प्लीटली मॉडिफाइड है, बस आज हम लोगों को इसको यार मॉडिफाई नहीं है, ये कम्प्लीटली स्टॉक है, हम लोगों को आज बस इसे मॉडिफाई करना है और लेके जाना है ऑफ रोडिंग के रेस में। तो जो ये रेस भी होने वाला है ना भाई, वो रेस होने वाला है यार रेगिस्तान में, तो मुझे वो देख के मॉडिफाई करना पड़ेगा कि ये गाड़ी रेगिस्तान में ऑफ रोडिंग ड्रैग कर सके, ठीक है। तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट हो जाएगा मेरे लिए, तो थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि इसको ऐसा बनाने का कि ये ऑफ रोडिंग में भी कम्प्लीटली सपोर्ट दे, ठीक है। बाकी यार आज मैं इसमें ड्रिफ्ट वगैरह मार रहा था जंगल के बीच। बाकी गाड़ी का ये रहा ओवरऑल लुक एंड साउंड, भाई मैंने साउंड नहीं सुनाया ना, अब साउंड सुनो आप लोग यार। डैम ब्रो भाई, ओ भाई यहाँ पे कोई बुगाटी लेके आया है, आई गेस चैलेंज कर रहा है कि मुझे भाई ड्रिफ्ट नहीं होगी भाई, माफ कर दे यार, स्टॉक है मॉडिफाइड रहती तो मैं करता भी ड्रिफ्ट। ओ हो रही है गाड़ी भारी है बोल के ड्रिफ्ट हो रही है भाई, ये देखो यार क्या ड्रिफ्ट हो रही है यार, इतना हल्का ड्रिफ्ट हो रही है। सुपरा होती तो भाई अभी पूरा 360 करना चालू कर देती यार, बट ठीक है अपने पास सुपरा भी है एंड मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है गाइस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो जेट्रेस गेमिंग टोयोटा सुपरा, आपको मिल जाएगी फोर्ज़ा होराइज़न आराम से मिल जाएगी। एंड मैंने उसमें जो ड्रिफ्ट किया ना, मां कसम बोल रहा हूँ इंडिया में उस लेवल का ड्रिफ्टिंग किसी ने भी नहीं किया होगा टोयोटा सुपरा में, फोर्ज़ा होराइज़न में बेसिकली यार। तो आप जाके देख सकते हो वीडियो को, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट वीडियो थी एंड सबसे अच्छे व्यूज भी आए थे, तो आप लोग डेफिनेटली एंजॉय करोगे। बाकी गाइस यार फटाफट भगा के चलते हैं अपने घर एंड इस गाड़ी को करते हैं मॉडिफाई। वैसे टॉप स्पीड अभी देख लेते हैं गाड़ी कितना देती है, उसके बाद मॉडिफाई करने में भी समझ में आएगा ना यार कि गाड़ी कितना भाग सकती है, ठीक है। चौथा गियर लेट्स गो, अपन ये भी यूज कर सकते हैं, चौथा लगा ही हुआ है। पांचवा लेट्स गो स्ट्रेट, बस चलाना है। वो देखो उधर स्पीड लिखा है ना 260, उसके ऊपर 5 जो लिखा है वो पांचवा गियर है राइट। अब मैं छठवा लगा रहा हूं, ये देखो छठवा लगा लेकिन पांचवा परफेक्ट है जंप कराने के लिए और छठवा गियर दे देते हैं लेट्स गो। आई गेस नदी तक भी नहीं पहुंच पाएगी भाई, नहीं नदी तक भी नहीं पहुंच पाएगी भाई, शिट यार बिचारी उरस भाई। और गाड़ी की स्पीड भी आई गेस 280 तक भी नहीं गई थी, 280 या 240 में कुछ थी गाड़ी, ठीक है। तो गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्लो है और थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी को नहला देते हैं देन इसके बाद गाड़ी को ले चलते हैं अपने घर ताकि अपन इसे मॉडिफाई कर सके एंड उसके बाद अपन इसको रेस में भी लेके जाएंगे। जिंदगी क्या ही बात है यार, खाली खैर हम लोग इसको यहाँ पे लाते हैं एंड आप लोगों को मैं एक शानदार ड्रिफ्ट दिखाना है। क्या पहला गियर दूसरा गियर, लो गाइस यार अब ड्रिफ्ट के ये ड्रिफ्ट नहीं कर सकती यार। मैंने ना इसको अभी खरीदा है तो मुझे लिटरली नहीं पता ये ड्रिफ्ट परफेक्टली करेगी कि नहीं, वैसे वहां तो कर रही थी अच्छा खासा। ओके यार ड्रिफ्ट लेना, थोड़ी फास्ट गाड़ियां चाहिए भाई, थोड़ी गाड़ी भागे, ये कर रही है बट आई डोंट थिंक सो कि हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे ऐसा ड्रिफ्ट करेगी। देखो स्पीड चाहिए ना, स्पीड ही नहीं है यार, बट खैर चलो फटाफट से घर चलते हैं। मेरा यहाँ पे पास में एक घर है, पास इन द सेंस थोड़ा सा दूर है, कितना किलोमीटर है भाई यहाँ से है टोटल 5 किलोमीटर मेरा दूर घर एंड लेट्स सी इस गाड़ी को कितना टाइम लगता है 5 किलोमीटर कवर करने में। यार आप लोग मुझे बताओ आप लोगों को क्या ज्यादा पसंद है, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर या फिर उरस? भाई मुझे उरस पसंद है बिकॉज इंडिया में लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर मेरे गाँव में तो नहीं चलने वाली। भाई क्या आपके शहर में लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर चल सकती है, कमेंट सेक्शन में बताना। उरस चल जाएगी भाई मेरे शहर में यार, इसलिए अगर मेरे पास पैसे भी आ जाए ना भाई, अगर मैं क्या कहते हैं यार ये गेमर फ्लिट जैसा यार नाम वाम कमा लूं तो भाई पैसा वैसा कमा लूं तो मैं पोर्शन ही लूंगा ना, अपन लेंगे भाई उरस।
या फिर लैम्बोर्गिनी भाई। तो यार अगर आप चाहते हो कि आपका भाई उरस या लैम्बोर्गिनी ले तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ड्राइविंग प्रैक्टिस तो यहाँ पे अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये गेम में पूरा प्रैक्टिस हो जा रहा है अपना, ठीक है। बस रियल लाइफ में भाई मैं ऐसा घुसाने लग जाओ यार कहीं पे भी भाई। वैसे गाड़ी बहुत स्लो है यार, ये स्पीड इसकी 240 कुछ है ना, रुको देखते हैं अभी कितनी जाती है। 240 तो गई। ओके यार मैं जो बुगाटी चलाता ना भाई वो गाड़ी 450 तो भागती है। अभी इतना धीरे गाड़ी चला रहा हूं तो मेरे को इतना अजीब लग रहा है गाइस, मजाक से हटके यार। ओके छठवा गियर लो भाई, दे दिया मैं 270। नहीं भाई 280 तक देगी गाड़ी, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी ये देखो मुड़ी भी नहीं भाई 280 के स्पीड में यार। बाकी चलो खैर अपन अपने ताजमहल आ चुके हैं, यहाँ पे अपना अमीर वाला घर है, ठीक है। यार मैंने 2-3 जगह घर ले रखे हैं बट मुझे अभी एक नई जगह भी घर लेना है। मैंने प्लान किया है कि एक नई जगह घर लूँ, एक और ये घर नहीं था गाइस मेरा पुराना एपिसोड अगर आप देखते आ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा एक बीच किनारे मैंने घर लिया था, तो वो घर को मैंने बेच दिया था, मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया था आई गेस, ठीक है। तो वही घर को मुझे फिर खरीदना है बिकॉज बीच के पास आजकल बहुत ज्यादा रेसेस होने लगे हैं एंड एज यू नो तुम्हारा भाई बैटमैन है, पैसे की कमी नहीं है तुम्हारे भाई को, ठीक है। तो चलो यार आई मीन टोनी स्टार्क या बैटमैन है जो चाहे वो कह सकते हो। बाकी चलो यार एंट्री लेते हैं घर में एंड करते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी उरस को मॉडिफाई। तो आप लोगों को पता है अभी हमारी गाड़ी लगभग स्पीड दे रही है 280 की, तो अभी जब अपन मॉडिफाई करेंगे तो उससे ज्यादा स्पीड देगी, ठीक है। सबसे पहले अपन कलर चेंज करेंगे, कोई अच्छा सा नया सा डिजाइन जो की गाड़ी में काफी अच्छा दिखे, ठीक है। ओके पीला कलर करेगा जो लैम्बोर्गिनी क्लासिक कलर है, येलो कलर लैम्बोर्गिनी का क्लासिक कलर है तो उसमें थोड़ा अच्छा दिख सकता है गाड़ी, रुको एक बार चेक करते हैं। ओके ये कलर है जो की भाई बहुत बेकार लग रहा है यार, कुछ ज्यादा ही आंखों में चुभ रहा है यार, इससे अच्छा पहले वाला ही कलर था सिल्वर जो मैंने खरीदा था। ये लाल रेड एंड ब्लैक भी कर सकते हैं, रेड कलर भी अच्छा दिखता है यार उरस पे, और अपना थीम कलर भी रेड है भाई, डट्रेस गेमिंग यार, लाल कलर अपने में जमता है भाई। जैसे अपना दोस्त है ना उज्जवल, उसका पीला थीम है, वैसे अपने डट्रेस गेमिंग का रेड रेड थीम है यार। और ये देख सकते हो उरस का लुक कैसी लग रही है उरस, मुझे डेफिनेटली बताना ये लाल रंग इस पे कैसा दिख रहा है। ये देख सकते हो और रेड रंग की है और सामने लिखा है क्या लिखा है भाई 17M, आई डोंट नो, लेकिन ये रेड और ब्लैक का कॉम्बो भी अच्छा है, ठीक लग रहा है, नॉट सो बैड बट ठीक है कि पहले ही वाला ठीक है यार, मुझे पहले वाला कलर ज्यादा ही बेटर लग रहा है। बाकी रुको गाइस मैंने इंजन नहीं दिखाया, आप लोग गेस करो इस गाड़ी में कौन सा इंजन लगा हुआ है। मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ V8, V12 या V6, ये तीनों में से कोई एक इंजन लगा हुआ है एंड जो कार लवर्स होंगे आई नो वो परफेक्टली गेस कर दिए होंगे एंड इट इज अ ब्यूटीफुल गॉड डैम पावरफुल V8 सुपर टर्बोचार्ज इंजन, ठीक है वही लगा होगा आई गेस क्या वही लगा होगा पक्का। एंड देख सकते हो क्या बोला हूँ भाई, मुझे पता था यार लैम्बोर्गिनी ज्यादातर यार V8 इंजन यूज करती है भाई, जो हाइपर होती है वो V12 यूज करती है। बाकी खैर गाड़ी यहाँ पे कम्प्लीटली चमक रही है बट लाल कलर मुझे कसम से पसंद नहीं आ रहा है। बाकी चलो इंटीरियर वगैरह देख लेते हैं, गेट खोलो यार, कुछ ऐसा इंटीरियर है लैम्बोर्गिनी उरस का, सीट वगैरह काफी सॉफ्ट है। बाकी मैं आपको गाड़ी का साउंड सुनाता हूँ, गाड़ी का साउंड कैसा, ओके ठीक है याला, हाँ चलो भाई गाड़ी का आवाज सुन लो आप, गाड़ी का आवाज कैसा है, ये स्टॉक आवाज है भाई साहब, अच्छा आवाज तो अच्छा है बट ठीक है यार। वो जो लाल वाला बटन देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये वाला जो मेरे माउस पॉइंटर पे देखो, ये गाड़ी का स्टार्ट बटन होता है, हर लैम्बोर्गिनी में सेम रहता है। बाकी पीछे भी बहुत अच्छा स्पेस होगा यार, पीछे तो मैं देखा नहीं आज तक पूरा भाई। ओ भाई ओ भाई गाइस यार यहाँ पे 2 AC भाई, नीचे में AC है यार, चलो ठीक है। और ये क्या है भाई यहाँ पे छोटा सा कूलर वो है क्या वो सब रखने का। बाकी गाइस आप, मैं कसम से कह रहा हूँ आप में से 95% लोग पहली बार लैम्बोर्गिनी उरस का इंटीरियर देख रहे होंगे यार। ये देखो अगर आप लोगों ने कार में बैठे हो तो यार आपने ये वाला चीज देखा होगा, हर कार में रहती है जो हैंडल को लॉक करता है भाई, उरस में भी वही सिस्टम यूज होता है यार, जो यार स्विफ्ट वगैरह सारी गाड़ियों में यूज होता है। चलो खैर बाकी यार ये है पीछे का डिक्की भाई, क्या स्पेस है भाई, इस पे तो किसी को भी किडनैप करके डाल के रख दे यार, इतना ज्यादा स्पेस है। मैं मजाक कर रहा हूँ बट यार GTA ज्यादा खेला है ना मैंने, तो ये सब में ज्यादा दिमाग चलता है बट है यार अच्छा खासा स्पेस है, फैमिली गाड़ी लग रही है। बाकी यहाँ से पेट्रोल है, डीजल वीजल जो भी डलता होगा इसमें, पेट्रोल ही होगा डीजल तो होगा नहीं। बाकी खैर आ जाओ इंटीरियर मॉडिफाई करते हैं भाई एक पार्ट्स को, इंजन का जो वो होता है पाइप वगैरह, रेस इनटेक लगाएंगे और फ्यूल सिस्टम लगाएंगे अपन, रेस फ्यूल सिस्टम और इग्निशन लगाएंगे, रेस इग्निशन भाई सब चीज रेस ही लगाऊं क्या, रेस एग्जॉस्ट भाई एग्जॉस्ट भी अपग्रेड हो रहा है। बाकी अभी हम लोग लुक पे अपग्रेड नहीं करे, अभी हम लोग कर रहे हैं इंटीरियर, इंजन के अंदर जो होते हैं ना वेल्व वगैरह हो गए, पिस्टन हो गए, जो ऐसे 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 होते रहते हैं, टीवी के एड में आप लोगों ने देखा होगा V12 इंजन, V12 तो टीवी में नहीं आता है बट ठीक है भाई, टर्बो लगाना है क्या, ट्विन टर्बो, गाड़ी इससे फटाका फूटेगी क्या बोलते हो यार। देखो मैं दिखा रहा, ये एंटी लैग ट्विन टर्बो है, ठीक है मैं आपको एक बार सुनाता हूँ गाड़ी का आवाज, ठीक है अब गाड़ी का आवाज आप सुन सकते हो, ये सुनो, ये आप जो सुन रहे हो ये पीछे का रेव्स है, रुको यार ये जो मैं एक पेडल दे रहा हूँ ना वो कह सकते हो आप, ये देखो ये ऐसा आग निकलेगा अगर आप, मैं देना चाहता हूँ ठीक है, ये ट्विन टर्बो है
फुल फ्लेम भाई, क्या ही फटाका फूट रही है भाई, मेरा आवाज दब रहा होगा मजाक से भाई। तो ये हम लोग लगा सकते हैं, बट इससे थोड़ा स्पीड गिरता है, तो अपन कोई और देखते हैं। ट्विन टर्बो एंटी लैग, हाँ देखो स्पीड गिरा है, बहुत तगड़े से गिरा है। तो ट्विन टर्बो हटाते हैं, फटाका नहीं फोड़ेगी गाड़ी यार। वैसे भी अपन बुगाटी वगैरह रखे हैं ना फटाका फोड़ने के लिए। भाई बुगाटी सुप्रा मैंने रखा है भाई, रट्टा टट्टा। अगर आपको सुप्रा लवर हो कमेंट सेक्शन में बताओ यार, बताना क्या, यूट्यूब पे सर्च करो भाई, डेथरेस गेमिंग टोयोटा सुप्रा फोर्जा होराइजन, मेरी वीडियो टॉप पे मिलेगी भाई। और आई एम नॉट किडिंग, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑफ माइन भाई। आपको मजा नहीं आया ना, नाम बदल देना यार। बाकी क्लच और मॉडिफाई करते हैं, रेस क्लच ट्रांसमिशन, कितने गियर की गाड़ी बनाऊं भाई, ऑफ रोडिंग कितने गियर की सही रहेगी, कौन सा लगाते हैं, 6 गियर की गाड़ी, 6 गियर यार क्लासिक गाड़ियों में होती है ना ज्यादातर। डिफरेंशियल रैली लगाएंगे, ड्रिफ्ट मारने में भी आसानी होगी। बाकी एलॉय व्हील चिकना वाला ठीक है ये लो, और रेस अंदर का टायर और पीछे का भी थोड़ा अंदर डालो। और एलॉय व्हील चेंज करना है क्या, लाइक बहुत सारे ऑप्शन है ये देखो, एलॉय व्हील वगैरह चेंज हो रहा है एक से एक भाई। पिंक कलर का कौन ऑप्शन लगाता है, ओ भाई ये सही लग रहा है यार, अच्छे अच्छे नए नए एलॉय व्हील्स हैं, ओ भी भाई सोने का अलॉय व्हील आया भाई यहाँ तो, क्या चमक रहा है गाइस। लेकिन स्पीड गिर जाएगा बहुत तगड़े से, लैम्बोर्गिनी का ही रहने दो। बाकी अलॉय ये वाला टायर, ये वाला कंबक्शन टायर को थोड़ा बड़ा करो, और पीछे को भी थोड़ा बड़ा करो, हैंडलिंग थोड़ा सा मिल जाए। और रुको टायर में मुझे देखने, थोड़ा ऑफ रोडिंग टायर मिलेंगे क्या, मैंने लगाए ये, अरे भाई ऑफ रोडिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया यार गाड़ी को, थोड़ा ऑफ रोडिंग चाहिए भाई मुझे, ये लगाते हैं। वैसे भी हम लोग ऑफ रोडिंग करेंगे, थोड़े दरदीरे वाले टायर लगाएंगे तो अच्छा चलेगा। बाकी बॉडी मॉडिफिकेशन, ओ भाई फुल किट लग रहा है भाई, ओके स्पीड थोड़ा कम होगा लेकिन कंट्रोल मिलेगा। ये नहीं, ये इससे क्या ही होगा यार, ऑफ रोडिंग में क्या ही फायदा करेंगे। चलो खैर हो गया ट्रांसमिशन। इंजन को अब क्या ही स्वैप करेंगे, V12 लग गया है भाई, V10 इंजन थोड़ी लगाऊंगा, और RDR रियर व्हील ड्राइव भी नहीं करना। चलो भाई ओके, 150,000 की गाड़ी है, जिन लोगों मैंने नहीं बताया ये गाड़ी मैंने 150,000 में खरीदी थी, एंड हम लोगों ने जो मॉडिफाई किया है उस पे टोटल खर्चा आया है 114,800 रुपए। सिया मैं चाहता हूँ ये वीडियो पे 114,800 लाइक्स हो जाए, कर दो यार, पैसे थोड़ी लगे हैं भाई, दिल से बोल रहा है, तुम्हारा लाइक करने में कौन सा यार तकलीफ हो रही है, तुम लोगों को एक बटन ही तो दबाना है। चलो खैर मैंने ही बटन दबाया, आप भी दबाओ और फटाफट से लाइक करो। बाकी खैर मैं मॉडिफाई कर चुका हूँ, बाकी यार ये डिजाइन मजा है। अरे यार मैं रोड पे आ गया यार, एक बार फिर भी रोड लुक देख लेते हैं, रोड में कैसे दिख रही है, कुछ ऐसी लग रही है गाड़ी जो कि आई गेस आप में से बहुतों को बकवास लग रही होगी, मुझे भी थोड़ा सा टट्टी लग रही है, आई मीन गाड़ी मुझे नहीं। तो गाड़ी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और चिकना सुंदर बनाते हैं। येलो तो बहुत बेकार दिख रहा था, गोल्डन तो कतई नहीं करूंगा, हम लोग ये वाला लेते हैं मेंसरी यूनिक ई, ब्लैक में भी एक सेक है, सिल्वर भी अच्छी है यार। मैं तो बोलता हूँ जो अपनी पहली लुक थी ना उसी को देखेगा, आई गेस ज्यादा बेटर है राइट। ये वाला भी अच्छा दिख रहा है, ये तो हम लोग लगाए थे इससे पहले, पुलिस वाली भी गाड़ी है यार। येलो एंड ब्लैक नहीं, ग्रीन भी लगा सकते हैं, ग्रीन भी बहुत क्लासिक कलर है राइट। बाकी कॉम्बिनेशन आप सारे यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में, क्या क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके रेड, इतना क्या ही सोचेंगे यार, पिकाचू भाई पिकाचू लगाऊं भाई, ये ट्राई करेगा, सिल्वर कलर की है गाड़ी यार, कंप्लीटली सिल्वर लग रही है, रुको चमकेगी भाई ये सिल्वर कलर, बहुत कैड़ा लगेगा आई थिंक, रुको एक बार देखते हैं यार। ओके लुक एट द कार भाई, बम लग रही है। एक तो जो आउटलाइन है वो व्हाइट रंग का आउटलाइन मिल रहा है देखो गाड़ी पे यार, थोड़ा सा ना पीछे से लुक लेते हैं, इतनी ज्यादा चमक रही है ना भाई गाड़ी, बाप रे आंखों में चुभ रही है भाई, यही कलर रखे क्या, नहीं ये भी नहीं यार, जो पहले कलर ही था ना आई गेस वो ज्यादा बेटर था यार। आप लोग भी बोल रहे हो भाई घुमा फिरा के तो वही वाले कलर में आ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन अब गाड़ी मॉडिफाइड है आई गेस, अब गाड़ी की स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ गई होगी। अब पहले यार देखो गाड़ी दे रही थी 280 ठीक है, 280 की टॉप स्पीड थी, एंड अब देखते हैं गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी देती है। तो यह है गाड़ी का लुक, एंड गाड़ी का साउंड सुन लो आप एक बार, मैं साउंड तो फुली रखा हूं, ये सुनो ठीक है यार, मर्सिडीज वाला कौन था भाई, ये साउंड सुनो भाई, वो ट्रक लेके घूम रहा है मर्सिडीज का, ये सुनो, ये कुछ गाड़ी का साउंड है, थोड़ा सा हल्ला कर रही है गाड़ी लेकिन आई गेस इट्स अ ब्यूटीफुल साउंड। बाकी खैर यार आ जाओ भाई गाड़ी को चलाते हैं। ओ भाई गाड़ी उछल के चल रही है भाई, आप लोग नोटिस किए कि नहीं यार। ओके गाड़ी थोड़ी सी हैवी ड्राइविंग हो गई है, ओ भाई गाड़ी अब तो एकदम ड्रिफ्ट कर रही है। ओके ठीक है कंट्रोल, चौथा गियर। ओके गाइस कंप्लीटली मॉडिफाइड हो चुकी है गाड़ी, एंड अब मेरी थोड़ी कंट्रोल की क्यू बाहर जा रही है भाई। ओके एक बार ड्रिफ्ट ट्राई करेगा, रुको तेरी तो भाई कुछ ज्यादा गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही है, रुको यार हम लोग ये वाले सर्कल पे लेके आते हैं। ओके एंड फिर उसके बाद इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं, लेट्स गो यार ड्रिफ्ट मार के देखते हैं। वैसे हम लोग ड्रिफ्ट के लिए तो गाड़ी बनाई नहीं है, बट स्टिल वी गोना ट्राई अ ब्यूटीफुल ड्रिफ्ट, गाड़ी पावरफुल है एंड अब भाई आराम से ड्रिफ्ट कर लेगी मजाक से हट के। जो पहले दिक्कत दे रहा था ना अब वो दिक्कत जा चुका है यार, गाड़ी में इतना ज्यादा पावर है ना। ओके रुको बट आई नीड सम प्रैक्टिस, हो जाएगा मेरा मतलब हो ही जाएगा। रुको यार स्टेयरिंग बहुत टाइट हो गया ना भाई पूरा से ब्रो, सुपरा थोड़ी भाई फट घूमेगी। ओके बहुत मुश्किल हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा टाइट हो जा रहा है स्टेयरिंग,
मजाक सेट के भाई, स्टेयरिंग तो मैंने टाइट नहीं किया था लेकिन ये परफेक्ट था। ओके लेट्स गो, एक गियर डाउन और थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ड्रिफ्ट ले 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 ले। गाइस ये गाड़ी ड्रिफ्ट के लिए बनी नहीं है ना, पहली बात उरस से कौन ड्रिफ्ट करता है भाई, यूट्यूब पे शायद ही कोई होगा जो लैम्बोर्गिनी उरस को ड्रिफ्ट कर रहा होगा मेरे अलावा यार। बट हम लोग थोड़ा बहुत स्किट कर दे रहे हैं गाड़ी में, मैं बस गाड़ी की बैंड नहीं बजाना चाहता कि हम लोगों ने अभी अभी इसको मॉडिफाई किया है। बाकी आ जाओ एक जंप करते हैं और एक रेस करते हैं और लेट्स सी गाड़ी कितनी भागी है। आ जाओ पहले रेस करते हैं। ओके यहाँ पे एक नहीं नहीं पहले जंप करूँ क्या, हाँ चलो एक रेस करते हैं पहले। यहाँ पे एक सोलो रेस होता है राइट, स्ट्रिप रेस होगा 1.6 किलोमीटर के साथ और हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी उरस को लेके जाने वाले हैं। आ जाओ यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां होगी, मैं अकेला नहीं होऊंगा, छोटी सी रेस है मतलब स्ट्रेट रेस है कह लो। ऑलराइट गाइस यार वी आर ऑन द ट्रैक भाई, काफी सुहाना सा मौसम है और ये रही मेरी Lamborghini Urus and let's start the drag and let's see। भाई मैं अकेला Urus में नहीं हूँ, बगल में देखो एक और Porsche और उसके बगल में Jaguar। अबे तेरी भाई, भाई साहब तेरी तो मेरी 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 गाड़ी से कोई फास्ट हो सकता है क्या? नहीं मतलब मेरी गाड़ी से फास्ट हो सकता है क्या? बाकी सारी गाड़ियाँ कहाँ है भाई? ओके भाई 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 सब पीछे हैं, सब पीछे हैं, मेरे को बस बैलेंस बनाना है और सीधा भगाना है। लेट्स गो यार, स्टीयरिंग भी छोड़ो यार, सीधा पीछे देखते हैं भाई। ओके कोई है क्या, जंप करना है क्या? ले भाई कोई हरा ही नहीं पाया यार, क्या नूब लोग आए भाई रेस ले यार, कोई अच्छे बंदे को बुलाओ, मैं कहाँ घुस गया। अच्छा था रे, 22 सेकंड में कंप्लीट कर दिया मैं, ठीक है मैं फर्स्ट आया, 2 सेकंड से ज्यादा फास्ट मैंने रखी है। मतलब आप यहाँ पे ये ले सकते हो कि भाई मेरी लेवल की जो जो गाड़ियां है ना उनमें से मेरी गाड़ी वन ऑफ दी बेस्ट गाड़ी है, ठीक है तो हम लोग इसको ले जा सकते हैं रेस पे। बाकी आ जाओ यहाँ पे क्या है भाई, ये घर है क्या? बान हाउस है भाई। ओके रुको, आई गेस हम लोगों को वहाँ पे एक जैगवार मिल सकी है, रुको बट फिर भी हम लोग यहाँ पे एक जंप लगाएंगे देन उसके बाद वो जैगवार लेके आएंगे। नहीं पहले जैगवार लेके क्योंकि एक बार देख लेता हूँ भाई, ये कोई लग रहा है यार यहाँ पे एक जैगवार मिलेगी बोल रहे हैं। रुको आ जाओ, एक तो जैगवार की मैंने बहुत कम गाड़ियां रखी है ठीक है, ऑफ रोडिंग जाने बोल रहे हैं। अरे तेरी भाई ईटे में ठीक है कोई बात नहीं, और कहाँ से जाना है, रास्ता किधर है भाई? ये गाड़ी तो ड्रिफ्ट मार रही है भाई जंगल में यार, कंट्रोल होगी कि नहीं हम लोग अब जब इसको अभी रेस में लेके जाएंगे। ओके यही गई है वो गाड़ी यार, आगे है ना, लेट्स गो देख के आते हैं भाई, क्या पता अच्छी तगड़ी गाड़ी होगी तो यार काम आ जाएगा। अबे ये क्या है यार, ये कौन सा प्लेन इधर लैंड हुआ है भाई, क्रैश हुआ है। ओके यहाँ पे बान हाउस है, लेट्स गो तोड़ के जाना पड़ेगा क्या? ठीक है, ओ वी आर आइड भाई, इसके अंदर कोई गाड़ी है, शायद से कोई गाड़ी है, एंटर किया जाए। अबे फोटो मोड नहीं खोल, लेट्स सी अपन भाई, देखो गाड़ी गाड़ी का यू कैन नॉट गिफ्ट अ कार। अच्छा अपन गिफ्ट कर सकते हैं क्या? अच्छा अपने को यहाँ पे एक गाड़ी गिफ्ट करनी है और बदले में अपने को एक गाड़ी मिलेगी ना, तो कौन सी सस्ती गाड़ी है? ये क्लासिक कार को देते नहीं, चलो कोई अच्छी गाड़ी देते हैं भाई, ये वाली देते M12 Swarthog CST और फ्यूचर की गाड़ी है, का गाड़ी है ठीक है। हर गाड़ी देखो मेरे गाड़ी के आगे एक डेट लिखा रहता है, जैसे कि ना ये गाड़ी देखो Nomad 2016 लिखा है, अच्छे से देखो मैं आपको मस्त चीज दिखाता हूँ, ये देखो 2016 लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक है। और ये एक गाड़ी है जिसपे लिखा हुआ है 2554 मतलब 2554, ये आज से कह लो 500 साल। अच्छा आज अभी क्या चल रहा है, 2000 क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है क्या चल, अच्छा 2024 चल रहा है सॉरी, तो ये आज से 520 साल बाद की गाड़ी है, 530 ईयर्स बाद की गाड़ी है, तो इसको देते हैं फ्यूचर जिसको लेना है एनीवन। एंड भाई मजे करो जिसको भी चाहिए, सेंड अ गिफ्ट, हो गया गिफ्ट सेंड। एंड अब क्या करना है, अबे यार ये क्या था, मेरे को खाली गिफ्ट सेंड करना था क्या, सेंड एंड रिसीव अ गिफ्ट, भाई साहब चूना लग गया क्या कि ये मैंने जैगवार पिकअप कर दिया ब्रो। अच्छा गिफ्ट ड्रॉप होता है, ओके ऐसा है यार, वहां पे हम लोग गिफ्ट ड्रॉप करना है और लेना है, लेकिन लेने का तो दिया नहीं भाई, खाली देने का दिया, मुझे गिफ्ट तो मिला ही नहीं, कहां मिला गिफ्ट, गिफ्ट मिलता तो मैं बोलता भी भाई गाड़ी अच्छी चल रही है यार, पावर तो है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा उरस पावर दिखा रही है ठीक है। चलो खैर एक बार उरस का टॉप स्पीड देखते हैं और लेट्स सी गाड़ी कितना ज्यादा स्पीड जनरेट करती है, देन इसके बाद इसको ड्रैग मिले जाएंगे। ओके ड्रिफ्ट मार ले आराम से, लेट्स गो भाई सीधा हो जा। ओके तोड़ो इसको, एंड आप लोग गैस करो गाइस गाड़ी कितनी जाएगी, पहले 280 थी ना, अब मैं गैस करता हूँ कि ये गाड़ी जा सकती है 400-450 ज्यादा हो जाएगा, 400 तो आराम से देगी भाई, 300 पार कर दिए भाई, 450 भी पार करेगी लग रहा है। ओके ओके कितना गियर है, 6 ओके 7 गियर लगा है, लेट्स गो 370 की टॉप स्पीड थी और आई गेस नदी पार कर देगी, क्या लगता है गाइस? पहले हम लोग जंगल में गिरे थे एंड हम लोगों ने इस बार नदी भी लमसम पार कर दिया, वैसे गाड़ी की थोड़ी बैंड बच गई है बट ठीक है, नॉट बैड नॉट बैड, बट हम लोग अभी भी गाड़ी की टॉप स्पीड देख नहीं पाए। रुको हाईवे में उतारते हैं यार, हाईवे में टॉप स्पीड पता चलेगा, यहाँ पे क्या ही टॉप स्पीड दिखा यार, 370 के बाद तो गाड़ी भागी ही नहीं भाई। चलो खैर आ जाओ गाड़ी को मोड़ते हैं, एंड अब आप लोग गैस करो गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी देगी ठीक है,
चलो खैर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अपन सीधा स्पीड पकड़ते हैं, लेट्स गो आराम से एंड गाड़ी को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि भाई रेस वेस में गाड़ी चलेगी ना अच्छी। लो भाई बच गया मैं, ओके इससे ही बच गया, इससे भी बच गया भाई, टकराते टकराते रह गया। अचानक से भाई इसमें ट्रक व्रक आ जाती है, तब थोड़ी सी फट जाती है भाई मेरी की ठुक ना जाए यार। बाकी खैर 370-380 टच हो गया, आई गेस हो जाएगा, गाड़ी दे देगी 400 यार, ओके 400 टच लमसम टच हो गया, ओके टच हो ही गया, लमसम गया भाई टच हो गया, 400 पार कर चुकी है भाई गाड़ी। अब भाई पहले ये गाड़ी भाई 280 पकड़ रही थी, अब ये गाड़ी वही गाड़ी 400 पकड़ रही है, डैम ब्रो इट्स नॉट अ जोक भाई, वो फेल्ड हो गया, मीटर फेल हो गया, बताओ भाई 7-8 भाई कितना 7 गियर की गाड़ी बना दिया, थोड़ा ज्यादा ओवर गियर लग गया क्या, ओके इसको 6 में ही रखो यार, 402-408 परफेक्ट है गाड़ी का स्पीड, इससे ज्यादा भाई कोई जरूरत नहीं है यार, उरस है वैसे भी कौन सा इसको भाई, मेरे को बुगाटी के साथ रेस कराना है जो 400 के स्पीड में मैं इसको चलाने वाला हूँ, अपने को 300-400 भी चलेगा। बाकी आ जाओ यार एक जंगल रेस किया जाए, यहाँ पे एक होने वाला है ट्रॉपिकाना का, सीधा जंप मारते हैं, वेट करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज तुम्हारे भाई के पास थोड़े ज्यादा पैसे, मजाक कर रहा हूँ भाई, मैंने गेम पार कर दिया तो हम लोग कहीं भी अब जा सकते हैं आसानी से यार, 5 किलोमीटर का रेस होगा एंड कम्प्लीट ऑफ रोडिंग होगा, आई गेस मेरी उरस अच्छा परफॉर्म कर दे, अगर वो जैगवार मिल जाती ना भाई आज तो मैं जैगवार लेके जाता एंड उससे रेस करता, तो भाई जैगवार से ज्यादा मजा आता है ना, बट क्या कर सकते हैं यार, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो मैं जैगवार खरीद नहीं रहा हूँ, बट खैर आज खरीदेंगे, अगर ये रेस जीत गए तो आई एम डेफिनेट। ओ भाई ये कौन सी गाड़ी है भाई, रिवियान भाई ये कौन सी गाड़ी थी भाई, बट ठीक है सब चीज परफेक्ट है, आ जाओ रेस को स्टार्ट करते हैं, पहली उरस की रेस को अंजाम देते हैं, प्लीज भगवान यार सपोर्ट करना मुझे यार, जय श्री राम भाई, ये भाई ये BMW X6 ओके लेट्स गो, क्या जैगवार क्या जैगवार भाई, इन लोग की फट क्यों रही है कूदाने से भाई, कूदाओ भाई Let's go, भाई गाड़ी इसलिए इन लोग की फट रही थी भाई, बैलेंस बिगड़ रहा है ओके शिट, इसलिए इन लोग धीरे से कुदा रहे थे और मैं हीरो बन के, लेकिन अपनी गाड़ी रिवर्स में भी स्पीड देगी, चल 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 सीधा हो जा, अरे यार चेक पॉइंट मिस हो गया, वाह चेक पॉइंट ऊपर चेक पॉइंट है यार, सॉरी गाइज यार मुझे रिवाइंड लेना पड़ रहा है, बट क्या करूँ यार गेम का वसूल है भाई, चेक पॉइंट को छुए बगैर जाएगा डेट्रैक्स तो तेरे को आगे जाने नहीं दूंगा, चलो खैर अपन लास्ट हो गए क्या भाई, अपन 12th पोजीशन में, डैम ब्रो सबसे लास्ट, वाह भाई मेरी गाड़ी क्या परफॉर्म कर रही है भाई, इसको कहते हैं प्योर टू टॉयलेट करना यार थकना ठीक है, बट क्या आराम से भाई रेस ट्रैक में कूद जा, अब भाई मैं चक्का कौन सा लगाया हूँ यार, चिकना वाला टायर लगाया हूँ क्या, नहीं मैंने ऑफ रोडिंग वाले टायर लगाए थे, आई डोंट नो मुझे याद नहीं भाई मैं कौन सा टायर लगा के आया हूँ, बट मेरी गाड़ी कुछ ज़्यादा स्लिप कर रही है भाई, ओके ऑफ रोडिंग वाला फील नहीं दे रही मुझे, मजाक सट के ठीक है सीधा हो जा, ओके परफेक्ट, ओके लेट्स गो चौथा गियर, आराम से मुझे पार करना पड़ेगा भाई, रेस आधा हो चुका है एंड अगर अभी मैं आगे नहीं निकला ना तो रेस हार जाऊँगा यार, ठीक है ओके परफेक्ट है भाई, मेरी गाड़ी तो पहले गियर में ही रेस कर देगी लग रहा है यार, मैं तीसरा गियर के ऊपर जाने का जरूरत ही नहीं है लग रहा है भाई, यार ये देखो इतना सक्रीक चेक पॉइंट देते हैं ना इन लोग भाई, इतना बड़ा खुला मैदान है इतना बड़ा और हम लोगों को वो हरा पन्नी के बीच से जाना है, वाह ये देखो यहीं से जाना है बोल रहे हैं भाई गेम वाले भाई, वाह भाई ये ऐसे में बैलेंस नहीं बिगड़ेगा क्या अगर मैं उधर से आऊँगा तो, लेट्स गो भाई कितना ज़्यादा स्टेयरिंग घुमाना पड़ रहा है, देख एक जन का बैलेंस बिगड़ा लेकिन अपना बना हुआ है, कोई बात नहीं, ये गाड़ी कौन सी गाड़ी है गाइस, मैं ये गाड़ी पहली बार देख रहा हूँ यार ओके, बट खैर अभी भी अपन यार वाह भाई वाह, ये तीसरा रिवाइंड गाइस मुझे माफ़ कर देना, मैं पहली बार एक रेस में तीन रिवाइंड ले रहा हूँ, बट ठीक है उरस को मैंने गलत मॉडिफाई किया, आई जस्ट रियलाइज भाई मेरे को स्पीड थोड़ा कम करना पड़ेगा गाड़ी का, मुझे चाहिए गाड़ी 200 के स्पीड में चौथे गियर में रहे भाई, और मेरी गाड़ी भाई पहले गियर में 100 पार कर दे रही है, ठीक है चलो वैसे भी अपन गाइस 5th पोजीशन में है, 4th में है, ब्रेक इतना लंबा क्यों ब्रेक लग रहा है भाई गाड़ी में यार, कंप्लीट ऑफ रोडिंग भाई ऑफ रोड चला रहा हूँ, ठीक है अब थोड़ा चीटिंग करना पड़ेगा, मजाक से हट के हट जा, हट ना भाई कौन है मेरे आगे, चढ़ जाऊंगा तेरे ऊपर, वो दे चढ़ भी गया भाई मैं, ओके लेट्स गो फिनिश पॉइंट आ रहा है एंड सीधा 3rd पोजीशन भाई, यार शिट भाई डैम भाई गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी, मैं 3rd आ गया हूँ यार, कुछ ज्यादा स्पीड है गाड़ी भाई, थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, थोड़ी गाड़ी को कम पावर करना पड़ेगा, पावर ठीक है ये मत सोचो भाई, पावर की वजह से मैं चला नहीं पा रहा हूँ, गाड़ी का हैंडल कुछ ज्यादा अनकंट्रोल हो रहा है भाई,
400 की स्पीड पकड़ने वाली गाड़ी को मैं 300 में ऑफ रोडिंग कराऊंगा तो भाई बहुत मुश्किल होना ही है ना। ये देखो भाई नाच रही है बंदी, वाह मैं भी नाचता हूँ भाई, आप लोग तब तक लाइक करो यार। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं हुआ भाई रेस करने का, बड़े अपने को एक स्पिन मिल गया। अपन 208 लेवल के हो चुके हैं, लेट्स गो। एक स्पिन करना बनता है, प्लीज गॉड प्लीज एक जस को दे दे जिसको बेच के मैं नई गाड़ी खरीदूं। हां ठीक है चलेगा, 2 लाख रुपए भी चलेगा, आप लोग 2 लाख लाइक कर दो ये भी चलेगा। बाकी चलो चलते हैं गाड़ी को थोड़ा चेंज करने, मॉडिफाई करने। ओके मैं हूँ कहाँ भाई, अच्छा मैं यहाँ पे हूँ ना। अच्छा यहाँ पे एक ओ भाई एक डर्ट रैली का रेस होने वाला है ग्राउंड का, जो कि मैंने कर रखा है बट करेंगे। मुझे ये वाला घर खरीदना था यार, ये जो घर है ना चलो मैंने बेच दिया है। चलो फिलहाल गोलाइट टेलीपोर्ट मारते हैं, चलो आ जाओ। मुझे यहाँ पे ये वाली घर खरीदनी थी, यहाँ घर खरीदते हैं और यहीं पे मॉडिफाई कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। आगे एक घर है यार, मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा घर। आप लोग बोलोगे डट्रैक भाई आपके पास तो वो घर पहले ही था, लेकिन मैंने यार जब 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी तो मैंने वो घर को बेच दिया था। मुझे एक गाड़ी खरीदनी थी जो इस गेम में बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो उसके चलते थोड़ा गरीब वाला सीन हो गया है मेरा। गाड़ियाँ बेच घर बेचना पड़ जा रहा है भाई, गाड़ी यार मेरा किस्मत देख रहे हो, लोग गाड़ियाँ बेचते हैं घर बनाने के लिए, मैं घर बेच रहा हूँ गाड़ी बना गाड़ी खरीदने के लिए, वाओ यार अलग ही सीन है भाई मेरा। यार चलो खैर कोई बात नहीं, ये घर है 7 लाख रुपए का और एक सुपर व्हील स्पिन मिलेगा और कुछ कुछ चीज है, तो यार बड़ा घर है, बड़ा घर है, अच्छा है, वसूल भी होगा, खरीद लेते हैं। आ जाओ 7 लाख रुपए, एंड ये रहे तुम्हारे भाई ने 7 लाख उड़ा दिए, तो यार आप लोग भी 7 लाख लाइक्स तो कर दो यार, पैसे थोड़ी लगते हैं भाई, लाइक्स करने के चिल्लर थोड़ी लगे हैं यार। बट खैर यू वांट टू सेट दिस हो या नो भाई, मेरे को इसको घर नहीं बनाना। आ जाओ मैं ज्यादा कुछ करूंगा नहीं, अपन ट्यून करते हैं डायरेक्ट ना। क्या करूँ यार, रैली मोड हैंडलिंग चाहिए भाई मुझे, मेन हैंडलिंग भी मिलेगा प्लस ऑफ रोडिंग भी मिलेगी, लेकिन स्पीड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये ठीक है भाई, ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट है यार, ये हैंडलिंग भी मिल रही है प्लस थोड़ा ऑफ रोडिंग भी मिल रहा है, ये ट्राई करते हैं। आ जाओ 30,000 खर्च हो रहे हैं, परफेक्ट है, डायरेक्ट मॉडिफिकेशन बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है बट ठीक है। आ जाओ भाई, गाड़ी का यही लुक रहेगा, कि लुक भी चेंज करें यार। ओ भाई ये तो लुक ऑटोमेटिक चेंज हो गया भाई, अब तो पूरा ऑफ रोडिंग वाला लुक आ गया है यार, पीछे स्पॉइलर आ गया है, सामने वो आ गया, एंड अब गाड़ी की आवाज सुनते हैं कैसी है। ठीक है ओके नॉट सो बैड बट इट्स काइंड ऑफ क्यूट आवाज यार, क्या बोलते हो गाइस यार। खरीदे गया एक X6, फटाफट चलते हैं चलो अपने घर। और अब गाड़ी ड्रिफ्ट नहीं दे रही भाई, अब हैंड ब्रेक लग रहा है सीधा, अब सीधा हैंड ब्रेक लग रहा है, लेकिन कंट्रोल अच्छा मिल रहा है उरस पे। ये देखो भाई 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 गाड़ी तो ड्रिफ्ट दे रही है, लेकिन वैसा वाला 360 वाला ड्रिफ्ट नहीं होगी गाड़ी, लेकिन स्पीड में ड्रिफ्ट देगी, देखना यहाँ पे अच्छा ड्रिफ्ट देगी। ये देखो कंट्रोल हो जाएगी और सीधी हो जाएगी और बढ़िया स्ट्रेट भी हो जाएगी, देखो बहुत आराम से यार, ये ऐसा ऐसा कंट्रोल दे रही है गाड़ी यार, परफेक्ट है, लेट्स गो। स्पीड भी ठीक ही है यार, ऑफ रोडिंग गाड़ी में अगर आप 400 भगा रहे हो भाई, मैं आपको बोलूंगा थार 400 भाग रही है। ठीक है तो आप लोग भी सोचेंगे भाई थार 400 भगाने वाली थोड़ी गाड़ी है यार, अब बोलूंगा मैं भाई लैम्बोर्गिनी 400 भाग रही है, तो थोड़ा सेंस भी बनता है कि हाँ भाई लैम्बोर्गिनी 400 भाग रही है, मजा आ रहा है। ठीक है यही बात है, चलो जीप को ले लो, ठीक है महिंद्रा बुलेरो को ले लो भाई, बुलेरो वो बोलूंगा 500 भाग रही है तो भाई मजा नहीं आएगा ना, बुगाटी 500 में मजा आता है। बाकी खैर गाड़ी परफेक्ट, चलते हैं घर जो हम लोगों ने नया नया खरीदा। अच्छा यहाँ चलते हैं क्या, होराइजन यार जंगल वाला यार, मस्त लगता है ये होराइजन जंगल के बीच में। चलो यहाँ से अभी एक खरीदते हैं, एक ब्रांड न्यू BMW X6। आ जाओ ओके तो अगर सस्ती में मिलती होगी तो यहीं से ले लेंगे BMW की कैटेगरी में जा करके। ओके BMW Z4 Roadster मैंने तो रोड से उठाया था, X5 भी है, X6 का है, X6 नहीं मिल रही, M6 है, M2 है भाई, X6 नहीं है, M8 भी है शायद यार, X6 का है, X5 है, M की पूरी सीरीज है नहीं है यहाँ पे, सेकंड हैंड मार्केट में जाके देखते हैं शायद यहाँ मिल जाए। BMW यार बहुत सारी गाड़ियाँ लिमिटेड एडिशन होती है राइट, तो उसकी वजह से नहीं मिलती। X1 भी है भाई, X2 भी आया है क्या, X6, ये देखो मैं बोला था ना X6 आती है, X6M एडिशन क्या है भाई, ये रही X6 भाई, बम लग रही है यार, X6 2015 मॉडल भाई, सेकंड हैंड ही मिलेगी, फर्स्ट हैंड ये मिलने वाली नहीं है इसको भाई भाई रेट देखो भाई, रेट कितने की है आप एक बार प्राइस देखो, ये इधर वाला मत देखो ना, ये 13,000 में नहीं मिलने वाली, ये मिल रही है 6 मिलियन में। ठीक है 6 मिलियन 5 मिलियन इतनी महंगी भाई, गॉड डैम बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा, आई एम नॉट किडिंग भाई, कितनी उरस खरीद सकता हूँ, 50 से ज्यादा उरस खरीद सकता हूँ मैं, इतनी महंगी है। ये एक बंदा सस्ता बेच रहा है 5 मिलियन में, लेकिन हाँ ये मॉडिफाइड भी बेच रहा है, ठीक है 5 मिलियन में खरीद लेते हैं यार। आप लोगों को मजाक लग रहा है ना कि भाई 5 मिलियन में कैसे यार, इतना ज्यादा सस्ता ही तो है, कौन सा महंगा है, रुको ये गाड़ी अभी मैंने खरीदा है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने उरस कितने में खरीदा है। ठीक है आप लोग सोचो एक बार बैठ के कि भाई उरस महंगी है क्या या फिर ये गाड़ी। आप लोग तो बोल रहे होगे भाई उरस महंगी होगी, ऑफ कोर्स लैम्बोर्गिनी की गाड़ी है तो वो तो महंगी होगी, लेकिन मैं उरस का रेट दिखाता हूँ आपको। ठीक है लैम्बोर्गिनी उरस ये नया मार्केट है, यहाँ पे नई गाड़ियां मिलती है, मैं सेकंड हैंड खरीदा हूँ 6 मिलियन में। ठीक है और नया लैम्बोर्गिनी उरस ये है, लैम्बोर्गिनी उरस नई वाली, नई नवेली, चिकनी चिकनी जो हम लोगों ने खरीदा था, रुको मैं दिखाता हूँ, मैंने भी यहीं से खरीदा है ये वाली मेंसरी किट वाली। ठीक है
ये देखो, ये है लैम्बोर्गिनी उरस और ये मिल रही है भाई 1.5 लाख, मतलब 1,50,000 में, और वो गाड़ी मिल रही थी 6 मिलियन में, मतलब 60 लाख की BMW X6 और लैम्बोर्गिनी उरस 1,50,000 की। वाओ, क्यों भाई क्यों इतनी महंगी क्यों? बट खैर, अपनी गाड़ी आ गई होगी BMW की। चलो आज हम मॉडिफाई कराते हैं, ऐसा क्या खास है यार ये गाड़ी में। ये रही भाई, एपिक गाड़ी है भाई, पर्पल रंग की है, बंदे ने अच्छा मेंटेन कर रखा है ब्रो, लग रही है भाई गाड़ी शानदार यार। ओके यार, गाड़ी में ऐसा क्या चीज है, कौन सा इंजन लगा हुआ है इस पे भाई? BMW M पावर लगा हुआ है और क्या है, ठीक है। और गेट वगैरह तो खैर, इंटीरियर ओके, इंटीरियर देखेंगे, पीछे का भी सीट देख लेते हैं भाई। ओके देखो, इस पे भी है यार वो चीज जो मैं, ओ भाई अंदर ये क्या जाली वाली लगा हुआ है भाई, अंदर बैठेगा कैसे आदमी यार? बट मैं आपको बता दूं, ये इसलिए लगाते हैं ताकि गाड़ी स्टेबल हो सके एंड गाड़ी थोड़ी हल्की हो जाती है, जिससे गाड़ी की स्पीड भी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन को एक्यूरेट करने के लिए लगाया जाता है, जिससे गाड़ी अच्छी खासी स्पीड पकड़ती है। तो मतलब बंदे ने पूरा मेंटेन कर रखा है यार, मतलब सेकंड हैंड है तो बंदे ने ऑफ कोर्स मेंटेन किया होगा। पीछे बाकी देखो, डिक्की वगैरह भी सही है, पेट्रोल भी है। बाकी आ जाओ, इंटीरियर दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाकी गाड़ी बहुत सुंदर है यार ये वाली। मैं BMW की गाड़ियां बहुत कम खरीदता हूँ, आई डोंट नो, बट BMW मेरे को पसंद है, पुरानी वाली, नई वाली उतनी कुछ पसंद नहीं। i8 वगैरह उतनी कुछ खास नहीं लगती। बाकी ये देखो ऐसा कुछ है, साउंड सुन लो गाड़ी की कैसी है, ठीक है, ध्यान से प्यार से भाई। एंटी लैग लगा हुआ है इस पे भाई, गाइस इस पे लगा है एंटी लैग। रुको, फटाका फोड़ेगी क्या यहाँ पे? यहाँ पे नहीं फोड़ेगी, लेकिन इस पे लगा है एंटी लैग एंड आई डोंट थिंक सो हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है। गाड़ी की स्पीड देख लेते हैं कितनी है ऑलरेडी, उसके बाद मॉडिफाई करेंगे। 330 की स्पीड है, स्पीड दे रही है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्यूरेट नहीं होता। बाकी खैर आ जाओ, रोड पे देखते हैं गाड़ी कितनी ज्यादा स्पीड देती है। ओके गाइस, वी आर ऑन द रोड एंड गाड़ी की आवाज सुनो भाई साहब, एंटी लैग देख रहे हो भाई, फटाके यार। पावर तो है भाई, टायर जल गए, पीछे के ब्रेक पेडल जल गए, वो देखो लाल हो गए, सामने के भी लाल हो गए, मतलब समझ रहे हो ना क्या लाल हो रहे हैं? वो देखो अभी धीरे से वो काला भी हो जाएगा, वो देखो पीछे का काला हो गया और सामने का भी काला हो गया। अब मैं उसको लाल करूँ क्या? ध्यान से देखना, ब्रेक पेडल ऐसे जलाते हैं गाड़ी का, ठीक है। रुको मैं फिर दिखाता हूँ यार आप लोगों को कैसे चलाते हैं। ओके, पीछे का चल गया, सामने का भी चल गया, तेरी तो ऐसे मारते हैं गाड़ी की जी, ठीक है। तो यार चलो, गाड़ी को मैं यहाँ पे रोकता हूँ एंड चलते हैं गाइस अपन इसको लेकर के कोई ड्रैग रेस में एंड थोड़ा आजमाते हैं भाई गाड़ी कैसे भागती होती है, ठीक है। बाकी खैर यार आ जाओ, कंट्रोल देखते हैं। ये जंगल वाला होराइजन है तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा। बाकी खैर लेट्स गो, कंट्रोल तो है भाई गाड़ी में। ओके परफेक्ट परफेक्ट, तो साथ ही साथ ड्रिफ्ट भी दे रही है भाई, परफेक्ट है। ओके तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर, लेट्स गो यार। बहुत यार लैम्बोर्गिनी उरस का इंटीरियर बहुत अच्छा था भाई, इसका थोड़ा ना थोड़ा सा वो है, सिंपल सिंपल सा है। बाकी गाड़ी ड्रिफ्ट देख रहे हो, कंट्रोल है गाड़ी, कंट्रोल में है। ये देखो भाई, जिसका गाड़ी है ना ये, जिससे मैंने खरीदा सेकेंड हैंड में, वो कंट्रोल कर देता होगा पूरा, बढ़िया मॉडिफाई किया यार बंदे ने। वो देखो कोई यार ड्रिफ्ट मारते हुए, GTR चला रहा था शायद क्या। बाकी खैर अपन ड्रिफ्ट मारते हैं, ठुकते ठुकाते यहाँ पे ड्रिफ्ट करते हैं थोड़ा अच्छा। यार मैं ना बीच में ना नया नया गेम ट्राई कर रहा हूँ यार, बोल के ना मेरा थोड़ा ड्रिफ्टिंग स्किल छूट गया है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस वगैरह देखोगे जो लाइक मैं बहुत पहले बनाता था फोर्ज़ा के ऊपर 3-4 महीने पहले, तब मैं क्या ही ड्रिफ्ट वगैरह करता था। मैं मानता हूँ मेरी थोड़ी स्किल्स कम हो गई है, ये देखो यार मैं थोड़ा सा हगने लगा हूँ, ठीक है, गेम में। तो पहले थोड़े अच्छे थे, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को फ़र्क दिखेगा कि मेरी स्किल्स थोड़ी सी कम हो गई है, अच्छी खासी कम हो गई है। तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस भी इंजॉय कर सकते हो इफ़ यू लव फोर्ज़ा होराइज़न, ठीक है। बट अगर आप मेरे ट्रू फैंस हो तो आपने मेरी पूरी वीडियो देखी ली होगी अभी तक शायद से। बाकी खैर यार ये देखो मस्त चल रही है भाई गाड़ी, ड्रिफ्ट मारते हैं। चलो रुको, आगे सर्कल आ रहा है, वहाँ पे एक आध ड्रिफ्ट लेते हैं, देन उसके बाद गाड़ी को लेके चलते हैं, ठीक है। ओके ये सर्कल है, नॉन स्टॉप ड्रिफ्ट लेंगे, ठीक है। यार मैं कहाँ घुस रहा हूँ भाई, आराम से, ठीक है, लेट्स गो। भाई बहुत मुश्किल होगा लग रहा है, इस पर स्पीड पकड़ने के बाद होगा ड्रिफ्ट शायद। ओके चल ड्रिफ्ट ले, नहीं हो रहा क्या, ठीक है, चल 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 घूम ले भाई। यही सर्कल, ये जो सर्कल आप देख रहे हो ना, यही सर्कल पे तो मैं जितना ड्रिफ्ट आता ना मैंने पूरा यही प्रैक्टिस किया, यही वाले सर्कल पे सारे चीज़ें, ड्रिफ्ट हो गया, डोनट हो गया, हर चीज़। ये सर्कल मैं कभी नहीं भूलूंगा यार। बाकी चलो एक और ट्राई लेते हैं, लेट्स गो। ढील क्यों नहीं ले पा रहा है भाई, ओके परफेक्ट है, ले 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 ले, नहीं हुआ, थोड़ी सी दिक्कत है गाड़ी में यार।
ऑफ ड्रिफ्ट वाली गाड़ी भी नहीं है ना, डोनट डोनट भले करोगे गाड़ी में लेकिन ड्रिफ्ट वाली गाड़ी नहीं है। बट खैर चलो आ जाओ एक और रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑफ रोडिंग वगैरह करके आते हैं ठीक है। थोड़ा कहीं पे हो रहा है क्या? यहाँ पे हो रहा है एक्चुअल में, पहाड़ वाला भाई बहुत लंबा है, ये नहीं चाहेंगे। ये अपन कर सकते हैं, मैंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है ना। आ जाओ और गाड़ी वो है ठीक है, क्या कहते हैं यार उसे, क्या बोलते हैं इसे, ये ऑफ रोडिंग ट्यून्ड है ठीक है, ऑफ रोडिंग ट्यून्ड है कि नहीं, मतलब ये गाड़ी स्टॉक है, जैसे उसने बेचा है वैसी मैं चला रहा हूँ। ऑल व्हील ड्राइव कार है यार, कंट्रोल हो जाएगी। आ जाओ, बंदे ने एक एक छोटे छोटे चीज को मॉडिफाई किया है भाई, अच्छा मेंटेन किया यार बंदे ने। बैक इन द रेस यार, वो देखो भाई IX, अच्छा वो गाड़ी है क्या IX? ये रेस के बाद IX खरीदेंगे ठीक है, BMW IX यार, वो मुझे भी देखना है, वो जो बगल में देख रहे हो ना इलेक्ट्रिक कार लग रही है थोड़ी थोड़ी यार, बाकी ठीक है। एंटी लैग तो दे रहा है अच्छा खासा सपोर्ट, बाकी इस बार तो भाई डिफेंडर भी आई है। नहीं नहीं रेंज रोवर है क्या मेरे आगे जो है, ये रेंज रोवर है कि, हाँ रेंज रोवर है, वेल्लार है, रेंज रोवर वेल्लार है, ओके लेट्स गो। लेकिन रेंज रोवर को तो पार कर दिया भाई, मैं फर्स्ट हो गया हूँ। अच्छा बनाया भाई गाड़ी ने, बंदे ने ना ऑफ रोडिंग देख के बनाया है गाड़ी को यार। ओके लेट्स गो, रोड पे कंट्रोल ले ले। ओके देख रहे हो कंट्रोल वगैरह, अपनी जो लैम्बोर्गिनी उरस जैसे मैंने बनाया है ना सेम, ये भी वैसे ही चल रही है यार। बंदे ने सही मॉडिफाई किया यार, टाइम दिया है भाई बंदे ने मॉडिफिकेशन पे यार। ओके लेट्स गो, चढ़ा के मोड़ेंगे, चढ़ा के ड्रिफ्टेंगे, हुआ ना टच हुआ ना, हाँ चलो भाई जस्ट। अबे तेरी भाई कहाँ घुस रहा हूँ मैं, ठीक है आराम से। एक तो दूसरे की गाड़ी है, ओबे क्या व्यू है गाइज, ये मैं पहली बार रेस कर रहा हूँ शायद यार। क्या रेंज रोवर, क्या रेंज रोवर, रेंज रोवर पार। अरे शिट भाई, शेट भाई, भाई साहब यार वो भी है भाई, डिफेंडर भी है इधर तू। ओके वो देखो भाई, ओके ओके लेट्स गो यार, यार तो भद्दड़ मचा हुआ है, और कितना ज़्यादा स्टेयरिंग का आवाज़ आ रहा है यार, आप लोगों को भी आ रहा होगा, घड़ 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 घड़, बहुत ज़्यादा स्टेयरिंग हिल रहा है, कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग, यहाँ पत्थर बहुत है ना रोड पर। चलो भाई ठीक है, अपन यार फोर्थ पोजिशन में, डिफेंडर है आगे और रेंज रोवर वेल्लार है, और उसकी सबसे आगे शायद मिनी कूपर होगा भाई, हल्का गाड़ी है ना। क्या डिफेंडर, रेंज रोवर, ओके भाई यो बेट तेरी भाई, आराम से भूफा उफा मेरे सो रहा है भाई। ठीक है लेट्स गो, पांचवा गियर में लगाते हैं, अच्छी है यार, नॉट सो बैड भाई, गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वाह 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 वाह, ये लोग यार ये जो गाड़ियाँ देख रहे हो ना, ये सारी गाड़ियाँ अच्छी रेस कर रही है, बस मैं थोड़ा हक रहा हूँ बिकॉज ये ट्रैक पे मैं पहली बार रेस कर रहा हूँ, आप लोग भी शायद पहली बार देख रहे हो रेस को मेरी। ओके लेट्स गो, वी आर अगेन सेकंड एट पोजीशन, और मुझे फर्स्ट होनी है ये रेस पे यार, ये BMW अच्छी है भाई, अगर इसमें मैं फर्स्ट नहीं हुआ तो मुझे अफसोस होगा। रेलवे ट्रैक पे रेस कर रहे हैं भाई, भाई साहब। ओके ओ भाई जंप है क्या, लेट्स गो, फिनिश पॉइंट आ गया क्या लगता है? ओके लोग निकल गए, मैं थर्ड हूँ, मैं थर्ड हूँ भाई, मैंने ये ट्रैक पे पहली बार रेस किया, दैट इज द रीजन आई एम थर्ड भाई, बट चलता है। और BMW को भी मैंने खुद से मॉडिफाई नहीं किया था, दैट इज द रीजन भाई, लेकिन आप लोगों को बहाना लगेगा मुझे पता है भाई, आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, लाइक कर दो यार, कर दो यार, पैसे नहीं लगे भाई, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, साबुन खरीदते हो ना आप लोग, ऐसे लाइक करना, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग बट लाइक कर दो प्लीज। चलो यार यार, चलो भाई आज के वीडियो में इतना ही यार, मैं भी थक चुका हूँ एंड आप भी आई गेस यार। बाकी खैर वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखने हैं ये रहा फोर्ज़ा होराइज़न का प्लेलिस्ट, जाके देखो, धमादार खतरनाक ड्रिफ्टिंग रेसिंग हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने बहुत गाड़ियां खरीदी है, सेकंड हैंड खरीदी है, इवन कबाड़ की गाड़ियों को मैंने नया गाड़ी बनाया है, सब यहाँ पे मिलेगा, जाके देखो पूरा बाजार है। बाकी यार दो और वीडियोस है यहाँ पे और यहाँ पे, जो चाहे वो देखो। बाकी यार आपका फेवरेट पार्ट कौन सा लगा ये वीडियो का मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी अगली वीडियो में मैं क्या BMW IX खरीदूं वही बताना मुझे, और वो गाड़ी भी कैसी है वही बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे यार, बाय, लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज, बाय, अब भागो जाओ निकलो अगली वीडियो देखो, बाय।